दूर दराज से आए हुए मेरे जताई सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी प्रसाद गुप्ता है। मैं फिलहाल युवा वर्ती जिला मौजूदा में उपाध्यक्ष का पद दायित्व मुझे मिला हुआ है। आईएलएस समिति ने मेरे कुछ पुराने रिसर्च को देख करके मुझे मौका दिया था कि मैं समाज के लिए मोनो उकेरूँ। उसमें मैंने कई पुराने रिसर्च को लिया है, उसी का मैं एक आपको छोटा सा एक ब्रीफ संक्षिप्त में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस जो लोगो है या ये मोनो है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले इस मोनो में हम लोग हमने हमारे जो पूर्वज जो हैं उन्हें इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य हुआ था बुद्ध साम्राज्य जिसकी उत्पत्ति ठीक उसी प्रकार की थी जिस प्रकार हम अपने अपने आप हमारी उत्पत्ति को मानते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज आज नहीं तो कभी ना कभी पहले बिहार क्षेत्र से ही आए हैं। उसी तरह बिहार में ही एक इतिहास में एक साम्राज्य हुआ बुद्ध साम्राज्य जिसको कि मान के मैंने ये मोनो डिजाइन किया है। इस मोनो में अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो इस मोनो में सबसे पहले एक सिक्के का चित्रण है। वो सिक्का जो है वो सिक्का हमें सिक्का सिक्के तक के कई कई पहलू होते हैं। सिक्के का मतलब ये है कि वो पहला सिक्का था जो इतिहास में सोने का सिक्का बना था जो प्रचलन में आया था। इस सिक्के की एक तरफ अगर देखेंगे तो जो हमारे समाज के हम माने के पहले राजा हुए उनका चित्र किया हुआ श्रीगुप्त जी का। उस सिक्के के दूसरी तरफ में माता लक्ष्मी जी की मूर्ति थी का चित्रण था और ब्राह्मी लिपि में उसमें गुप्त साम्राज्य लिखा हुआ था तो उसको हमने मान के अपने मोनो में सबसे पहले स्थान दिया है। उसके बगल में अगर आप देखेंगे तो दो अश्व हैं जिसमें योद्धा बैठे हुए हैं। उन योद्धाओं का मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि युद्ध कला में उतरे बारंगत थे वो साम्राज्य जिसमें घुड़सवारों की सेना तैयार करके लगभग आगे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। साथ ही साथ उसी साम्राज्य के दौरान कई अश्वमेध यज्ञ भी किए गए थे तो ये दोनों के लिए प्रतीकात्मक रूप में उसमें घोड़े और घुड़सवारों को चिन्हित किया गया है। उसके बाद उसके नीचे की तरफ एक तराजू है जो तराजू हमें व्यवसाय को बताता है। उसी के नीचे एक तरफ तलवार है और एक तरफ कलम का है वो हमें ये दिखाता है कि हम शस्त्र एवं शास्त्र दोनों में पारंगत हैं। साथ ही उसके दोनों अगल बगल में किताब हैं जो हमें शस्त्र के शास्त्र के ज्ञान के बारे में भी बताते हैं। साथ ही में उसमें एक सोपदेशी श्लोक दिया गया है जो कि महाभिषेको न संस्कार मृगे राजस्थ स्वयं मृगेन्द्रता। इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि किसी भी राज्याभिषेक करने से केवल कोई राजा नहीं बन जाता है अपने बाहुबल से अपने विचार से वो का कोई भी व्यक्ति जो भी चाहे वो समाज के छोटा से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो वो भी स्थान पे आ सकता है। और इसी में हमने अग्नि सांप छोड़ते हुए नीचे बड़े बड़े अक्षर में शाब्दिक लिखा है जो हमारे चिन्ह का हमारे लिए प्रतीक होगा। तो मैं समाज से निवेदन करूँगा कि अगर सभी को उचित लगे तो इस मोनो को हम यहाँ पर अपने अपने जिले में तो इस्तेमाल करें ही करें। बाकी हमारे बच्चों तक भी आए हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि अगर इनको उचित लगे तो इसको बिल्कुल हमारे आगे जिले से संभाग में लेकर जाए प्रदेश में लेकर जाए फिर देश में लेकर जाए। साथ ही एक झंडा हमने तैयार किया है जिस झंडे को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्ताव है आप सभी का अगर की अगर सहमति रहेगी तो बिल्कुल इस झंडे को और मोनों को हम जब लॉन्च करेंगे ये जो भी चीज़ें होंगी सब कुछ आयोजन समिति को भी बता करके सब कुछ सब के साथ सलाह करके की गई है तो आप सभी से सुझाव आमंत्रित हैं। समय कुछ समय के बाद आप लोगों के लिए अभी मोनो ओपन रहेगा आप लोग भी बिल्कुल अपने सुझाव देंगे उसको हम समझ कर आगे इसको आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। काम किया है हमारे समाज के लिए लोगों का हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। रुपेश जी आप सागर और अतिथियों सागर के डॉक्टर अश्विनी प्रताप जी को यहाँ पे सौ श्री फल जी माननीय रायपुर अध्यक्ष जी माननीय प्रयत देख जी माननीय सलाहकार जी ये एक प्रस्ताव है हम इसमें विचार करेंगे समाज के लोग और ऐसा महान काम करने वाले हमारे डॉक्टर अश्विनी जी को समाज आज सम्मानित करते हुए धन्यवाद। आइए मित्रों हम आज के अपने विषय